सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को आज 10 साल पूरे हो गए हैं और ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारत कभी भी नहीं भुला सकता है, क्योंकि 26/11 भारत में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है जिसे अंजाम दिया था लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने। लेकिन इस हमले में हमारे देश के कुछ वीर बहादुर सिपाही भी शहीद हुए थे और आज पूरा देश 26/11 हमले में शहीद हुए इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसीलिए इन वीर बहादुर सिपाहियों के सम्मान में आज के एपिसोड में हम आपको इस हमले से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। छब्बीस नवंबर 2008 की शाम को कोलाबा के समुद्री तट से हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी भारत में दाखिल हुए थे। इनमें से दो आतंकवादी प्रसिद्ध यहूदी गेस्ट हाउस नरीमन हाउस की तरफ, दो आतंकी सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ, दो दो आतंकवादियों की एक टीम होटल ताजमहल की तरफ और जबकि बाकी की बची दो टीम होटल ट्राइडेंट ओबेरॉय की तरफ बढ़ गई थी। ये सभी आतंकवादी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड जैसे वेपन से इक्विप थे और इन्होंने अपने टारगेट तक पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था। इस हमले में करीब 160 लोग मारे गए थे जिनमें फॉरेन नेशनल्स यानी दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे और जबकि 308 के आसपास लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। और बाद में जाँच में मालूम पड़ा था कि इस हमले का मास्टरमाइंड जमात उद दवा का लीडर हाफिज सईद था जिसने इस पूरे 26/11 हमले को एग्जीक्यूट किया था। इस हमले को रोकने के लिए भारत की एलिट स्पेशल फोर्सेस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, मार्कोस स्पेशल फोर्स, मुंबई पुलिस, इंडियन एटीएस और मुंबई की फायर ब्रिगेड शामिल हुई थी। और आतंकवादी अपने साथ AK-47, RDX, IEDs और ग्रेनेड जैसे कई सारे हथियार लेकर आए थे। लेकिन इस हमले के दौरान पुलिस फोर्स के 15 और एनएसजी फोर्स के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए थे, जिनमें असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले तब शहीद हुए जब वे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ रहे थे। बाकी इनके साथ मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के चीफ, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर इंस्पेक्टर विजय सलास्कर, सीनियर इंस्पेक्टर शशांक सिंडे और जबकि एनर्जी फोर्स के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हुए थे। लेकिन इस हमले में जो हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए केवल ये 10 आतंकवादी ही जिम्मेदार नहीं थे बल्कि इसके लिए हमारे इंडियन मीडिया भी जिम्मेदार थी, क्योंकि अगर आपने उस समय न्यूज चैनल देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह न्यूज मीडिया वाले हमारे डिफेंस फोर्सेस के प्लान को खुलेआम सबको बता रहे थे। और ये सब बताते हुए उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि ये न्यूज चैनल केवल इंडिया ही नहीं बल्कि हमारे दुश्मन भी देख रहे होंगे जो 2400 घंटे इन आतंकवादियों के साथ ऑनलाइन थे और उन्हें ऑर्डर दे रहे थे। और इस हमले में शहीद होने वाले इंडियन आर्मी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने शहीद होने से पहले 14 लोगों को सुरक्षित निकाला था और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इससे पहले 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय भी दे चुके थे और वे इंडियन आर्मी के सबसे मुश्किल कोर्स यानी कि घातक कमांडो के कोर्स में टॉपर भी रहे थे। और 26/11 हमले के दौरान मेजर संदीप 10 एनर्जी कमांडो की टीम को लीड कर रहे थे और जब आतंकियों का सामना करते हुए उनके एक साथी को गोली लगी तब अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए वे उसकी तरफ आगे बढ़े, तभी एक आतंकी ने पीछे से उनके सीधे हाथ में गोली मार दी। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वे अपनी आखिरी सांस तक आतंकवादियों का सामना करते रहे और मेजर संदीप के आखिरी शब्द थे कि तुम ऊपर मत आओ, मैं अकेले संभाल लूंगा। इसके बाद मेजर संदीप को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 26 जनवरी 2009 को भारत के सबसे हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और फिर इस हमले के बाद भारत के कई राज्यों ने अपनी एक स्पेशल कमांडो यूनिट को भी स्थापित किया और महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे ही फोर्स वन नाम की एक नई सिक्योरिटी फोर्स को स्थापित किया जिसे स्पेशली ट्रेन किया गया है एनर्जी कमांडोज की टेक्निक के साथ। और तब से लेकर अब तक अब हमारी एनर्जी फोर्स भी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो इस तरह के हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और एनर्जी कमांडोज की इस नई कैपेबिलिटी को लेकर हम अपने दूसरे चैनल डिफेंस इनसाइट पर एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और 26/11 हमले के बाद से और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह के किसी बड़े हमले से बचा जा सके। और इस हमले में एनर्जी फोर्स ने ओबेरॉय होटल से 250 लोग, ताज होटल से 300 लोग और नरीमन हाउस से 60 लोगों को बचाया था। लेकिन इस हमले के दौरान मुंबई पुलिस, ATS, मुंबई फायर ब्रिगेड, मार्कोस और एनर्जी फोर्स, इन सभी फोर्सेस ने जो निस्वार्थ सेवा का परिचय दिया उसके लिए हमें इनका दिल से सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।